माय नेम इज स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्लिन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन से रिलेटेड नाउन जो हमारा कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस नाउन में हमने क्लास सेवन में अपार्ट फ्रॉम जो हम ऑफ नाउन पढ़े थे या हम लोगों ने जो उसमें दुनिया भर के जो कलेक्टिव नाउन्स प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ये सब पढ़े थे इसके अलावा हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ नाउन मतलब आप कोई भी वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं वर्ब्स होते हैं इनसे नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेश फॉर्मेशन कैसे होता है सिमिलरली हमने पढ़ा था कि नाउन के केसेस कौन कौन से होते हैं नॉमिनेटिव केस एक्सिव केस डोमिनेट आपका ऑब्जेक्टिव um, केस ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और लास्ट हमने एक और चीज समझी थी कि जब आप नाउन्स को यूज करते हो तो नाउन्स में गलतियां कहाँ होती है जैसे सिंगुलर प्लूरल है जेंडर नाउन्स इनमें हम गलतियां करते हैं तो हम ना ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी बुक में होंगे जो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं सो लेट्स बिगिन गाइस। पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ नाउन से रिलेटेड फॉर ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस नहीं है यहाँ पे कंप्लीट द फर्स्ट सेंटेंस है ठीक है हम यहाँ क्या करें फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस में आपके पास एक अंडरलाइन वर्ड है और आपके पास ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका आपको नाउन फॉर्म लिखना है जहां आपके पास ब्लैंक दिए हुए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है दिस बर्ड बर्ड हाउस इज मेड ऑफ डैश टू मेक वुडन हाउसेस तो ये जो है वुडन क्या है एक एडजेक्टिव है कैसा बर्ड हाउस है वुडन बर्ड हाउस है वुडन का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे वुडन का नाउन फॉर्म हो जाएगा वुड वुड मतलब लकड़ी लकड़ी एक चीज है तो वो एक मटेरियल नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं तो दिस बर्ड हाउस इज मेड ऑफ वुड आई डोंट डिजायर फॉर्च्यून और डैश नॉट ऑल रिच एंड फेमस पीपल आर फेमस मतलब एक एडजेक्टिव की बात करें अ फेमस पर्सन ठीक है वो कैसा आदमी है वो बहुत फेमस आदमी है तो फेमस का नाउन फॉर्म क्या होता है, का होता है, का होता है फेमस का नाउन फॉर्म होता है फेम ठीक है फेमस का नाउन फॉर्म होता है फेम और ये रहे हमारे आंसर अब हम सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं आई डैश ऑन माई आई पैड फॉर रेसिपीज वाइल्ड कुकिंग इज अ रिलायबल एंड ड्यूरेबल गैजेट अब आपके पास मतलब ये यह क्या कहना चाह रहा है कि मैं जो हूँ अपने आईपैड पे भरोसा करता हूँ जब भी मैं कुक करता हूँ तो मेरे पास रेसिपीज सारी कहां होती है मेरे आईपैड में होती है तो मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ मेरा आईपैड बहुत ही भरोसेमंद है और ड्यूरेबल गैजेट है अब जो रिलायबल जो अंडरलाइंड आपका वर्ड है इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म होगा आपका रिलाय रिलाय का बन जाता है रिलायबल रिलायबल मतलब भरोसेमंद आई आई हैव अ डीप डैश फॉर रनिंग एम पैशनेट अबाउट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज मतलब मैं जो हूं जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है उसके लिए काफी पैशनेट हूं पैशनेट वर्ड एक एडजेक्टिव होता है पैशनेट का नाउन फॉर्म क्या होगा ट का नाउन फॉर्म बन जाता है passion, S -S -I -O -N. Passionate का noun form बन जाता है 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 जो घंटों के लिए पढ़ाई करती है. तो वो कैसी हुई लूसी कैसी हुई वो स्टूडियस पर्सन है अब यहाँ पे जो स्टूडियस है ये एक्चुअली एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है वो एक स्टूडियस पर्सन है ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास ये रहे हमारे आंसर्स नेक्स्ट है द डैश इन दिस रेयर मशरूम कैन कॉज सीरियस किडनी डैमेज तो इस मशरूम में कोई एक ऐसी चीज है जो आपके किडनी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है फॉर्चुनेटली मोस्ट मशरूम्स आरंट पॉइजनस फॉर्चुनेटली मतलब अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम जो मशरूम्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं हो सकते होते नहीं है सो so, पॉइजनस का नाउन फॉर्म क्या होगा चीज पॉइजनस है क्योंकि इसमें क्या है क्योंकि इसमें जो चीज है वो है पॉइजन तभी यह चीज पॉइजनस है ठीक है तो पॉइजन हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म इट टेक्स डैश एंड टू बी अ प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर अगर आपको रेस कार ड्राइवर बनना है तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है डैश और डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है अप नहीं करना हार नहीं मानना दो आई द डिटर्मिनेशन आई एम नॉट येट अ स्किलफुल ड्राइवर मेरे अंदर डिटर्मिनेशन तो है मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं स्किलफुल नहीं हूं मतलब मेरे अंदर स्किल्स नहीं है क्या नहीं है मेरे अंदर यहां पर आ गया स्किल्स ठीक है स्किल स्किल आ गया आपका स्किलफुल का नाउन फॉर्म एवरी वन एंजॉय द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट ऑल इन ऑल इट वॉज डैश इवनिंग अब यहाँ हम नाउन फॉर्म यूज नहीं करें, रहे हैं एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं सबने इंजॉय किया ये एक वर्ब है क्या काम किया सबने इंजॉय किया इवनिंग कैसी बन गई इवनिंग बन गई एंजॉयबल अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं कहीं आपने यहाँ पे जो है नाउन फॉर्म बनाए हैं लेकिन आज पर यह sentence आपको कहीं कहीं एडजेक्टिव फॉर्म भी बनाने पड़ते हैं ठीक है ये रहे हमारे आंसर्स आगे चलते हैं टीचर हैड टू रेज his वॉइस टू बी हर्ड अब द डैश इन the रूम इट्स हार्ड टू गेट एनी वर्क डन इन नॉइजी क्लास रूम अब मतलब ये था कि जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे ठीक है तो टीचर को अपनी आवाज जोर करनी पड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ी ताकि जितना शोर हो रहा था ना क्लासरूम में उसमें भी उनकी आवाज सुनाई दे पाए ठीक है नॉइजी classroom थी क्लास कैसी थी जिसमें बहुत ज्यादा शोर हो रहा था क्या हो रहा था नॉइज थी क्लास में बहुत ज्यादा इसीलिए उस क्लासरूम को हमने क्या कहा नॉइजी क्लासरूम कहा अंकल होनी कॉजेज डैश फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई हैव मैनी डैश रिलेटिव ठीक है अब यहां पे भी हमने इसे एडजेक्टिव यूज किया ये क्या है ट्रबल रिलेटिव है ट्रबल रिलेटिव मतलब ये एक एडजेक्टिव है तो वो क्या कॉज करते थे अगर ट्रबल रिलेटिव हैं तो वो ट्रबल कॉज करेंगे मतलब अंकल अर्नी जो है वो हर बार मेरी फैमिली को बहुत जो है सताते हैं बहुत ट्रबल करते हैं हॉलीडेज में तो वो कैसे रिलेटिव हैं वो बहुत ट्रबल सम रिलेटिव हैं तो हमारा जो नाउन फॉर्म है वो क्या है यहाँ पे ट्रबल माई फादर इज अकस्टम टू फेसिंग डैश फायर फाइटिंग इज अ डेंजरस प्रोफेशन तो मेरे जो फादर हैं वो फायर फाइटर हैं तो वो क्या है उनको आदत हो गई है खतरों से लड़ने की खतरों के खिलाड़ी टाइप के हैं वो क्यों क्योंकि फायर फाइटिंग एक बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन है तो यहां पे क्या आ जाएगा ये डेंजरस प्रोफेशन है तो मतलब वो क्या फेस कर, कर रहे हैं danger. वो फेस कर रहे हैं डेंजर वो फेस कर रहे हैं डेंजर ओके सो ये है हमारे आंसर ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड माई फ्रेंड्स लाव एंड जोक एंड वाइक चिल्ड्रन और ड्यूरिंग द मॉर्निंग ड्यूरिंग द मील मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत हंसा बहुत जोक्स मारे बच्चों की तरह उन लोगों ने पूरे मील को इंजॉय किया मतलब जो खाना खा रहे थे तब वो सब बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे एवरी वन इंजॉय देर उन्होंने क्या इंजॉय किया जब वो चिल्ड्रन के तरह थे तो उन्होंने क्या किया अपना बचपना इन्जॉय किया तो यहाँ पे हो जाएगा चाइल्डहुड ठीक है उन्होंने क्या इंजॉय किया अपना बचपना एंजॉय किया एवरी वन एटवर्क ओबे जितने भी लोग हैं वो सब लोग बॉस के ऑर्डर्स को जो होते हैं कहते ओबे करते हैं मतलब उनका पालन करते हैं तो इसका जो हम नाउन फॉर्म हो जाएगा ओबे का वो क्या हो जाएगा देश शो वो क्या शो कर रहे हैं अगर वो उनकी आज्ञा को मान रहे हैं तो वो ओबीडियंस शो कर रहे हैं क्या शो कर रहे हैं वो obedience obedience क्या होता है noun form होता है obey का अगर मैं किसी को obey करता हूं अगर मैं उसकी बात मानता हूं तो मैं बहुत ही obedient हूं और मैं क्या कर रहा हूं मैं obedience शो कर रहा हूं my nephew is always causing dash he is a mischievous little boy तो मेरा जो nephew है मेरा जो भतीजा है भांजा भतीजा whatever it is वो जो है वो हमेशा बहुत सारी डाश करता है और वो बहुत मिस्चीवियस लिटिल बॉय है वो एकदम छोटा शरारती बच्चा है जो मिस्चीवियस करता है वो क्या है वो क्या करता होगा वो कॉज करता है करता है इसीलिए हमने उसको बोला कि वो मिस्चीवियस है क्या कॉस करता है वो मिस्चीफ तो ये हो गया हमारा नाउन फॉर्म हेयर आर आर आंसर्स ठीक है अब हम देखते हैं लास्ट नेक्स्ट वाला हमने नाउन में पढ़ा था पॉजिटिव नाउन क्या होते हैं पॉजिटिव फॉर्म भी पढ़ा था हमने तो यहाँ पे जो हम पॉजिटिव फॉर्म जब बात करते हैं कि हमको नाउन का पॉजिटिव फॉर्म मतलब जैसे मैंने बोला ये मेरा पेन है सो so, मैं बोलूंगी स्वातिज पेन सो so, हमने यहाँ पे स्वातिज पेन बोला है ठीक है माय पेन नहीं है माय बोलोगे तो वो डिटरमिनड हो जाएगा या उसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो यहां मैंने बोला दिस इज स्वातिस पेन तो हमें यहां ये समझना है हमें यहां पे सिर्फ आपके पास यहां पे नाम दिए हुए हैं और अकॉर्डिंगली आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है बस इतना काम करना है जैसे कि दिस इज डैश बुक तो यहां पे किसकी बुक है बता रहा है उसने कि वो पीटर की बुक है तो हम इसे कैसे बोलेंगे दिस इज पीटर्स बुक दिस इज पीटर्स बुक अब ये कैसे हो जाएगा पीई -E -E apostrophe एस This is Peter's book. लेट्स गो टू द डैश अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना शर्मास के घर चलते हैं चलो हम चोपड़ास के घर चलते हैं अरे मल्होत्रास बहुत दिनों से बुला रहे हैं मल्होत्रास मतलब क्या होता है आप एक फैमिली नेम बोल रहे हो तो आप उसमें एस लगा देते हो अब जब ऑलरेडी लगा है तो हम ये नहीं करेंगे कि हमने लिखा एस एम आई टी एच एस और फिर अपोस्टी एस हम ये नहीं करेंगे उसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे ठीक है तो वो हमारा हो जाएगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना जब हमने पढ़ा था तो अभी हम सिर्फ एक्सरसाइजेस कर सो लेट्स गो टू द स्मिथ द डैश रूम इज क्या है किसका रूम अपस्टेयर है चिल्ड्रन का रूम अपस्टेयर तो आप चिल्ड्रन में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे डैश सिस्टर इज ट्वेल्व इयर्स ओल्ड किसकी सिस्टर 12 साल की है जॉन की सिस्टर 12 साल की है। तो आपने सिर्फ जॉन में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है डैश एंड डैश स्कूल इज ओल्ड अब इधर देखो सुजन का और स्टीव का स्कूल बहुत पुराना है जब आपके पास दो नाम होते हैं तो आप दोनों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे क्यों क्योंकि हम इसके हम ये नहीं बोल रहे सूज़न का स्कूल और स्टीव का स्कूल हम दोनों का एक ही स्कूल है तो हम क्या करेंगे जो सेकेंड नंबर पे आता है ना उसमें एस लगाते हैं देखो ये रहे हमारे आंसर्स पीटर में हमने एस लगाया अपोस्ट स्मिथ्स में हमने सिर्फ लगाया वापस एस नहीं लगाया है चिल्ड्रन में एस लगा दिया जॉन में लगा दिया जब दो नाम हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम सेकेंड वाले में सिर्फ एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा सूजन एंड स्टीव स्कूल इज ओल्ड ओके नेक्स्ट है डैश शूज आर ऑन द सेकेंड फ्लोर किसके शूज हैं आदमी लोग जितने भी हैं उनके जो शूज हैं वो सेकेंड फ्लोर पे मा, मान लो आप कहीं किसी मॉल में जा रहे हो तो मेन्स शूज तो ये मेन्स शूज कैसा हो जाएगा सिर्फ अपोस्ट ऐसा हो जाएगा मेन्स हो जाएगा माई डैश कार वॉज नॉट एक्सपेंसिव मेरे पेरेंट्स की कार एक्सपेंसिव नहीं थी अब पेरेंट्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो मैं एक और बार अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाऊंगी मैं सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दूंगी द डैश सी डी प्लेयर इज न्यू किसकी सी डी प्लेयर न्यू है चार्ल्स की चार्ल्स नाम है तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है हम अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे दिस इज द डैश बाइक ये उस लड़के की बाइक है तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे डैश पेंसिल्स अब ये बॉयज की पेंसिल है एस लगा हुआ है तो इसमें हम एस नहीं लगाएंगे इसमें सिर्फ हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे ठीक है ये रहे हमारे आंसर सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग की जब आपके इसमें ऑलरेडी अब यहां पर चार्ल्स अब यहां पर देखो चार्ल्स क्या है एक नाम है तो जैसे आप बात करते हो चार्ल्स अब ये चार्ल्स बाइक है दिस इज चार्ल्स बाइक अब नाम इतना ही सुनाई दे रहा है अब अगर आपने क्योंकि ये नाम है आप पैसे लगाओगे तो उसे गलत नहीं बोलेंगे Plural में आप तो एस लगा ही नहीं सकते लेकिन ठीक तो है यू विल नॉट डू दैट लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते हो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था तो भी गलत नहीं होगा सो so, यहाँ पे अगर एस लगाया है तो भी सही है मान लो आप ये एस नहीं लगाओगे तो भी सही रहेगा पेरेंट्स के साथ क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है हम apostrophe सिर्फ लगाएंगे एस नहीं लगाएंगे नहीं है अब है है तो apostrophe yes, लेकिन यहां boys है, तो सिर्फ लगाएंगे एस नहीं लगाएंगे I hope that is clear. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सारा इज डैश आंट सारा किसकी आंट है सारा एमिली की आंट है तो क्या हो जाएगा बस एमिली के साथ अप्रॉफी एस लग जाएगा दीज आर आर फ्रेंड्स क्या ये हमारे दोस्तों की बिल्लियां हैं दोस्तों की फ्रेंड्स है ऑलरेडी एस है प्लूदल है तो हम सिर्फ इसमें लगाएंगे let's meet at dash for lunch. हम कहा मिलने वाले हैं जोवनी में मिलने वाले हैं सो लेट्स मीट एट जोनी फॉर लंच तो यहां पे कोई आपको पोस्ट नहीं लगानी है ठीक है अब यहां पे जोनीज हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा देखो यहाँ पे हम जॉनीस के घर में लगाओगे अब अगर ये ना प्लेस का नाम होता मान लो अपन सी सी डी में मिलने वाले तो हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता लेकिन जॉनी है कोई घर कोई लड़की है उसके घर में जा रहे हो तो आप बोलोगे लेस मीटर जॉनीज फॉर लंच जॉनीज अब यहाँ पे जैसे शर्मास के घर चलते हैं हम बोलते हैं शर्मास फॉर लंच चलो हम शर्मास के घर चलते हैं शर्माज आ रहे हैं तब आप उसमें बोलोगे इस तरीके से हम शर्मा के घर चलते हैं यहां पे आप बिलोंगिंग की बात कर रहे हो कोई पोजिशन की बात कर रहे हो तब आप लगाओगे अपोस्टोफी एस सिमिलरली लेस मीटर में आपको लगाना पड़ेगा अपोस्टोफी एस ठीक है नेक्स्ट है वेर इज द डैश लेडीज का शार कहा है जैसे आप मान लो किसी स्विमिंग पूल पे गए वंस यू वर डॉन विद य स्विमिंग अब आप जा रहे हो आपको शार लेने जाना है तो आप पूछोगे की लेडीज का शार कहाँ पे है अब यहाँ पे लेडीज ऑलरेडी प्लूरल है तो हम सिर्फ यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे दिस इज आर डैश कार ये मेरी बॉस की कार है अब देखो बॉस में ऑलरेडी डबल एस आ रहा है तो मैं तब भी इसमें जो है अपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी क्यों बॉस वर्ड है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम प्लुरल बोल रहे हैं इसीलिए हम इसमें क्या लगा देंगे अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे सिमिलर क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे ठीक है सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस अब यहां पे हमको सेम काम करना है माई डैश डैड इज माई अंकल मेरे कजन के जो पापा हैं वो मेरे अंकल हैं कजन के सो so कजन अपोस्ट्रॉफी एस आ जाएगा डेड यू रीड डैश न्यूज पेपर क्या तुमने कल का न्यूज पेपर पढ़ा था कल का न्यूज पेपर ये न्यूज पेपर डैश एंड के और जो के बैग जो है वो ब्लैक है अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है हमने दोनों में लगाया क्यूँ क्योंकि जैक का बैग अलग है जो का बैग अलग है और दोनों का जो बैग है वो ब्लैक कलर का है इसीलिए हमें दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा बट मान लो दोनों का एक ही बैग होता तो हम सिर्फ सेकेंड वाले में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ओके इन एन ओल्ड डैश होम हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक ओल्ड पीपल्स होम में रहते हैं तो यहाँ पे पीपल्स में सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे दैट सैंडविच वुड नॉट बी टू डैश टेस्ट वो जो सैंडविच तुमने बनाई है ना वो सबके टेस्ट के लिए नहीं है इसका मतलब नॉट टू एवरी वन स्टेस्ट तो एवरी वन में आपको लगाना पड़ेगा बस अपोस्टो एस समझ में आया देखो तीन चीजें इसमें याद रखो ठीक है वी आर डन विद राइट तीन चीजें याद रखो वेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव जब हम नाउन के पॉजिटिव की बात करते हैं पहली चीज कोई भी अगर सिंगुलर है कोई भी अगर सिंगुलर नाम है तो उसमें आप लगाते हो अपोस्टोफी एस लास्ट में अगर कोई प्लूरल है जिसमें ऑलरेडी एस आ रहा है जैसे जिसमें ऑलरेडी लाइक सपोज सॉक्स ठीक है इसमें ऑलरेडी एस आ रहा है तो इसमें तुम अपोस्ट्रॉफी लगाओगे फिर एस नहीं लगाओगे लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लूरल होते हैं जिसमें सिर्फ वॉवेल चेंज हो, जा, हो जाता है जैसे कि मेन अब ये प्लूरल है लेकिन इसमें लास्ट में एस नहीं आ रहा है तब हमें इसमें एस लगाना पड़ेगा ज़ूम, ओके नेक्स्ट चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि अगर कोई सिंगुलर भी है जैसे कि मान लो बॉस ठीक है अगर कोई सिंगुलर है और लास्ट उसका एस से ऐड हो रहा है तो आपको उसमें अपोस्टोफी एस ऐड करना पड़ेगा चाहे वो नाम हो या कुछ भी हो ठीक है अगर आप ये एस नहीं लगाओगे तो भी वो गलत नहीं होगा नेक्स्ट चीज है अगर आप दो लोगों की बात कर रहे हो जैसे कि ये एक स्कूल है राम का और रहीम का राम और रहीम जो है ये राम और रहीम का स्कूल है मैं बोल रही हूँ ये जो स्कूल है वो राम और रहीम का स्कूल है मतलब मैं एक ही स्कूल की बात कर रही हूँ जिसमें दोनों जाते हैं तब मैं बोलूंगी राम एंड रहीम स्कूल तब मैं सिर्फ सेकेंड वाले में जो है वो एस लगा दूंगी लेकिन मान लो मुझे ये कहना है कि राम के स्कूल भी की भी छुट्टियां लग गई है और रहीम के स्कूल की भी छुट्टियां लग गई है मतलब दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं तब मुझे दोनों में अपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा राम एंड रहीम्स तब मैं दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी अगर मैं एक ही अपोस्ट्रॉफी एस लगा रही हूँ उसका मतलब दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं अगर मैं दोनों किस में पोस्ट लगाती हूँ इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं ठीक है अगर मैंने कहा राम एंड रहीम्स बैग मतलब एक बैग है जो दोनों का है अगर मैंने बोला राम्स एंड रहीम्स बैग्स मतलब मैं दो अलग अलग लोगों की बात कर रही हूँ दो अलग अलग बैग्स हैं वहां पे समझ आई ये बात हम आगे बढ़ते हैं लेट्स क्वेश्चन अब आपको यहां पे केस आइडेंटिफाई करना है हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है तो अगर नाउन के केसेस आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसका वीडियो चेक करो जिसमें हमने नाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस भी करिए ताकि वहीं आपका फंडा क्लियर हो जाए चलो अब हम ये देखते हैं वुड यू डोनेट अ मंथ सैलरी टू आर कॉज अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है सैलरी क्या वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या वो एक प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है क्या वो इनडायरेक्ट प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है या वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन अब एक बार हम इसको समझते हैं जब कोई भी आपका जो वर्ड होता है कोई भी नाउन होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे होता है अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे है तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा या नॉमिनेटिव केस कहते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं अगर उसके बाद प्रपोजिशन आ जाता है ठीक है लाइक ऑफ समथिंग अगर मैंने बोला इन या ऑन समथिंग या ऑफ समथिंग तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट जैसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता है हम सेंटेंस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे तो आप बता दो सीधा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह है तो आप बता दो कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है अब है वुड यू डोनेट अ मंथ सैलरी टू आर कॉज सब्जेक्ट कौन है इसमें यू सब्जेक्ट कौन है इसमें यू क्या काम कर रहा है काम हो रहा है डोनेट करने का क्या डोनेट कर रहा है अ मंथ सैलरी एक महीने की सैलरी डोनेट कर रहा है तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि सिंपल है वर्ब क्या है डोनेट है पूछो वॉट वॉट आर यू डोनेटिंग यू आर डोनेटिंग अ मंथ सैलरी तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कैथी बरीड हर मनी इन द यार्ड कैथी के पास जो पैसा था ना वो उसने अपने यार्ड में जाके गाड़ दिया अब सब्जेक्ट कौन है कैथी है हम बात कर रहे हैं कैथी की उसने किया क्या वर्ब क्या है बरी किया अब बरी क्या किया उसने बरी किया मनी बरी क्या किया उसने मनी बरी किया यह है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके उसने मनी बरी किया मनी कहां बरी किया इन यार्ड कहां बरी किया इन द यार्ड अब जैसे ही आ गया इन यार्ड इन क्या है प्रेपोजिशन है तो यह हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ओके नेक्स्ट देखते हैं हम द स्टूडेंट्स वॉच्ड अ वीडियो about the civil rights movement the students watched a video about the civil rights movement sabse pehle subject kya hai students subject kya hai students kya kya students ne watch kiya watch kya ho gaya hamara verb theek hai ab kya dekha unhone ek video dekha hai ye hai meri direct object ठीक है वीडियो देखा ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ तो सिंपल हमें यहाँ तक आगे जाना ही नहीं पड़ा Video क्या हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ओके okay? अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टीव प्रेजेंट टीम लीडर अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके अब यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट है स्टीव क्या स्टीव ओके स्टीव को करना क्या है प्रेजेंट करना है क्या प्रेजेंट करना है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या प्रेजेंट करना है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस को प्रेजेंट करना है टीम लीडर को प्रेजेंट करना है यह क्या हो गया हमारा इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके सो यह रहा हमारा आंसर इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हर्ड दैट द न्यू डायरेक्टर इज अंटिस्ट फ्रॉम अर्जेंटीना तो जो हमें पता चला है जो हमारे नए डायरेक्टर आए हैं वो अर्जेंटीना से एक साइंटिस्ट हैं। ओके सब्जेक्ट क्या है वी ठीक है क्योंकि हम बात कर हैं हमारी सुना है हर्ड हो गया हमारा वर्ब हमने सुना है।, सुना है क्या सुना है क्या सुना है कि हमने सुना है जो हमारे जो न्यू डायरेक्टर हैं वो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम अर्जेंटीना क्या है वो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम अर्जेंटीना तो अब ये साइंटिस्ट क्या हो जाएगा ये predicative nominative हो जाएगा क्योंकि ये नाउन है ये सब्जेक्ट है साइंटिस्ट है हमने क्या बोला वी हर्ड वी क्या हो गया ये हो गया आपका मेन सब्जेक्ट कि जो आपके न्यू डायरेक्टर है न्यू डायरेक्टर इज अ साइंटिस्ट तो ये predicative nominative होता है मतलब ये आपका जो है predicative की जगह पे जब आपका सब्जेक्ट आ जाता है तब हम उसे बोलते हैं predicative nominative predicative nominative अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्ल्यू डिड नॉट हेल्प द कॉन्टेस्टेंट्स विद द पजल जो कॉन्टेस्टेंट्स थे जो पजल सॉल्व कर रहे थे क्लू ने उनकी हेल्प नहीं करी तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है क्ल्यू क्ल्यू है क्या नहीं किया उसने हेल्प नहीं करी ठीक है यह है वर्ब डेंट हेल्प किसे हेल्प नहीं करी किस चीज की हेल्प नहीं करी पजल में द कॉन्टेस्टेंट विद द पजल अब यहां पर पजल क्या हो गया पजल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन क्यों क्योंकि उसके पहले आ रहा है प्रपोजिशन विथ विथ सीधा समझ में आ जाएगा जैसे अंडरलाइन जो भी है ना जो भी पूछा जाएगा तो उसमें देखो उसके आगे प्रिपोजिशन तो नहीं आ रहा है जहां रहा है सीधा बता दो ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैट गेव हर डॉटर मनी फॉर लंच सब्जेक्ट क्या है केटी क्या किया है उसने दिया है ये हो गया वर्ब क्या दिया है मनी दिया है क्या दिया है मनी मनी क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया है अपनी डॉटर को दिया है डॉटर क्या हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके सो ये है डॉटर हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब नेक्स्ट देखते हैं यू विल फाइंड द स्पाइसेस इन द स्टव अंडर द सिंक ओके यू है सब्जेक्ट Will find हो गया तुम्हारा word. तुम कहां पे तुम्हें मसाले कहाँ मिलेंगे जो स्टव के नीचे सिंक में मिलेंगे तुमको ठीक है फाइंड द स्पाइसेस क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ओके okay? अब यहां पे देखो इन द स्टव अंडर सिंक यहां आ गया तुम्हारे पास एक प्रपोजिशन अंडर अंडर द टेबल अंडर द अलमीरा और अंडर द बेड अंडर क्या होता है प्रिपोजिशन होता है तो ये क्या हो गया तुम्हारा यह आंसर इसका हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन ठीक है तो ये देखो ये आंसर क्या है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डॉग डैट डेनिस गेव हेज ब्रदर इज अगल अब जो डेनिस को जो डॉग मिला है जो उसके भाई ने उसको दिया ठीक है डेनिस ने अपने भाई को जो डॉग दिया वो कौन सी ब्रीड का है वो एक बेगल है तो अब यहाँ पे हमारा subject क्या है डॉग डॉग के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है डॉग जो है वो किसने किसको दिया है डेनिस ने उसके भाई को दिया है इज बेगल अब ये कहाँ पे आ रहा है बेगल बता रहा है वो किस टाइप का है ये भी एक नाउन है जो कि प्रेडिकेट में आ रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे इसे हम बोल देंगे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव यह रहा हमारा आंसर ओके मूविंग फॉरवर्ड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट एल एन वुड बी द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट ने क्या कहा कि जो एल एन है वो न्यू डायरेक्टर होगा डिपार्टमेंट का अब यहां देखो सब्जेक्ट क्या है अनाउंसमेंट उसने करा क्या है कहा है क्या कहा है कि ये पूरा आप देखो कि एल वुड बी द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट अब यहां सेम चीज है ये डायरेक्टर प्रेडिकेट में आ रहा है सब्जेक्ट वर्ड उसके बाद आ गया प्रेडिकेट में आ रहा है तो ये सिंपली हो जाएगा प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव ओके सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें आपके पास प्लूरल जेंडर जो आपने पढ़े थे उन सब का नॉलेज होना चाहिए अब यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन है वी ऑलवेज चेरिश्ड सहवाग्स इनिंग ये सब गलत स्टेटमेंट है इसमें आपको ये बताना है गलती कहाँ है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे वी ऑलवेज चेरिश सहवाग्स इनिंग अब जब हम बोलते हैं ऑलवेज जब यूज करते हैं तो उसके साथ पास्ट कभी नहीं आता तो ये हो जाएगा वी ऑलवेज चेरिश सहवाग्स इनिंग वी ऑलवेज चेरिश सहवाग्स इनिंग नेक्स्ट है दिस बुक हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेश अब इन्फॉर्मेशन में कभी भी प्लूरल नहीं होता तो यहां गलती क्या है इंफॉर्मेशन information आएगा इंफॉर्मेश नहीं आएगा सो सिलेबस ऑफ ऑल कोर्सेस आएगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा हैज क्योंकि सिलेबस जो है ये एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा राइट तो सिलेबस कैसा है सिंगुलर है सिलेबस एक कलेक्टिव नाउन है सिलेबस मतलब जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स को एक साथ लिया तो सिलेबस बोला और हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन में कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं तब तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो सिलेबस के साथ आएगा हैज ना कि हैव माय स्पेक्टिकल हैव इंपोर्टेड लेंसेस यहां क्या गलती है बताओ यहां गलती है ये स्पेक्टिकल नहीं होगा ये स्पेक्टिकल्स होगा क्योंकि स्पेक्टिकल में हमेशा दो स्पेक्टिकल मतलब चश्मा उसमें हमेशा दो ही आंख होती है ना एक आंख वाला है नहीं पायलट तो बनना नहीं है आपको तो इसीलिए इसमें हमेशा आएगा जैसे ट्राउजर्स जैसे पैंट्स जैसे कि इनमें हमेशा एस आता है टीचर्स ओवरडोज देयर चिल्ड्रेन विद एडवाइसेस बट जो टीचर्स होती है वो अपने बच्चों को एडवाइसेस का ओवरडोज कर देती है मतलब ज्यादा ही सलाह दे देती है अब इधर क्या गलती है इधर गलती है एडवाइसेस Advises हम यूज नहीं करते यहां होगा विथ अ लॉट ऑफ एडवाइस विथ क्या होगा a lot of advice. आप यहां पे advices नहीं बोलोगे सिर्फ आ जाएगा विथ अ लॉट ऑफ एडवाइस ठीक है सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद हो जाए कि इसमें हमने क्या क्या मिस्टेक्स जो है उनको समझा है ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बॉट फाइव किलोग्राम्स वॉटरमेलन क्या गलत है इसमें इसमें गलत है कि हमें हमेशा बोलना चाहिए ही बॉट उसने खरीदा फाइव किलोग्राम ऑफ वॉटर ठीक है ऑफ वाटर हम सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे फाइव के जी वाटर मिलन फाइव के जी शुगर नहीं फाइव के जी ऑफ शुगर फाइव के जीज ऑफ वाटर मिलन ओके आई एम गोइंग टू मीट माई काजन ब्रदर इसमें क्या गलती है बताओ आई एम गोइंग टू मीट माई कजन ब्रदर कजन का मतलब होता है मेरे दूर का भाई या दूर की बहन मतलब कजन में ऑलरेडी ब्रदर या सिस्टर वर्ड होता है तो आप इसके बाद ब्रदर नहीं बोलोगे वरना वो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोल रहे हो भारतीय भी बोल रहे हो तो वो गलत हो जाता है ओके सो so ये कभी भी हमारी बहुत गंदी आदत है हम बोलते हैं है, ये मेरा कजन ब्रदर है कजन है बस खत्म है ये मेरा कजन है कैसे पता चलेगा मैम कि भाई है या बहन है आगे लगा रहे हो ना ये मेरी या मेरा ही और शी तो उससे समझ में आ जाएगा द न्यूज विल स्टार्ट इन अ मिनट जो खबरें हैं वो एक मिनट में स्टार्ट होंगी ये कभी भी न्यूजिस नहीं होगा ये सिर्फ न्यूज होता है विल स्टार्ट इन अ मिनट यूज मल्टीपल फॉर्मूला टू फाइंड सोल्यूशन अब यहां बोला है बहुत सारे फॉर्मूला आपको यूज करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन यहां पे आपके फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये सिंगल फॉर्मूला है आप जब बोल रहे हो मल्टीपल मतलब बहुत सारे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला में उसकी स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा लास्ट में लगाना पड़ेगा ई मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो और प्रिपरेशन करते हो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन यहां नाउन की तरह यूज हुआ है ये प्रैक्टिस का मतलब होता है वर्ब ओके okay? ये प्रैक्टिस का मतलब होता है वर्ब तो आपका प्रैक्टिस की स्पेलिंग होनी चाहिए प्रैक्टिस नॉट ओके -E, okay? चलो दैट इट गाइस आई एम श्योर कि आपके नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इन एक्सरसाइजेस से आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो हो जाएगी अगर आपकी बुक में ऐसे कोई क्वेश्चन है जिनका आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन लिख के कॉमेंट बॉक्स में डाल दो। उससे क्या होगा आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी आंसर ओके सो आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर इन बाय बाय